please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. खेलों में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर राजनीतिज्ञों और वकीलों की राय बटी नजर आई। लॉ कमीशन ने गुरुवार को ही सरकार से सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की थी, जिसे कांग्रेस के लीगल सेल के नेता और मशहूर वकील केटीएस तुलसी ने सरकारी खजाने की सेहत के लिए ठीक बताया। बैटिंग तो हो ही रही है, उसका फायदा कोई और उठा रहा है, तो भारत में ही देश निर्माण के लिए क्यों ना लगाया जाए। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने लॉ कमीशन की सिफारिश का पुरजोर विरोध किया और उसे आम लोगों में जुए की लत बढ़ाने वाली सिफारिश करार दिया। अगर इन सिफारिशों को लागू होने दिया तो इस देश में हर पान की दुकान जुए का अड्डा बनेगी, इसके परिणाम समाज के ऊपर बहुत घातक होंगे। असल में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सट्टेबाजी को रोकने के लिए बनाए गए कानून को बेअसर बताया और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलने के बाद काले धन पर रोक लगाने का दावा किया। दुनिया के कई देशों में पहले ही सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिली हुई है और इसी बात का हवाला देते हुए एनसीपी ने भी सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता दिए जाने का समर्थन किया। इसको कानूनी शक्ल दे दी जाए तो सरकार को भी इससे काफी आमदनी हो सकती है। लेकिन अपने अदालती मामलों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लॉ कमीशन की सिफारिश को गलत ठहराया और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता दिए जाने का विरोध किया। तो ये व्यवहारिक नहीं है, मैं इसको मानता नहीं हूँ। स्वामी ने ये दावा भी किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की शह पर भारत में गैर कानूनी तरीके से सट्टे का कारोबार पहले ही चल रहा है। यूपी के कानपुर में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें नीरज नाम का एक शातिर बदमाश घायल हो गया जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ में घायल बदमाश नीरज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाश के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और वो कई महीनों से फरार चल रहा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ लोग एक रस्सी के जरिए सीवर के अंदर फंसे लड़के को बाहर निकालने लगे। आरोप है कि सीवर की सफाई के दौरान वहां लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद उसे निकालने के लिए पुलिस और नगर निगम के साथ दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और एक रस्सी की मदद से उसे निकालने लगे। अरे उधर खींचो यार। इसके बाद लड़के को बाहर निकालते ही उसके परिजन मातम मनाने लगे। लेकिन तभी एम्बुलेंस तेजी से चल पड़ी, जिसके पीछे गुस्से में दौड़ते लोग दिखे। आरोप है कि रामबाबू नाम के लड़के को वहां एक रेस्टोरेंट मालिक ने सीवर साफ करने का काम दिया था, जिसमें सफाई करने के दौरान लड़के की मौत हो गई। उन्होंने अपने घर का लगाया ताला, रेस्टोरेंट का ताला लगा के भाग उठे, निकलने चले वाले थे, भीड़ लगा मजमला, उन्होंने पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद लड़के को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नाराजगी तो इस बात की थी कि वो नाले में कैसे आ गया, कौन लेके आया, इसी जानकारी जांच की जा रही है। पुलिस ने अब रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच का दावा किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार गिरने के दो हफ्ते के अंदर ही पीडीपी टूट के कगार पर पहुंच गई, क्योंकि पीडीपी के दो और विधायकों ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगा दिए। और बागी तेवर दिखा रहे एक विधायक जावेद हसन बेग तो यहां तक कह गए कि हारे हुए नेता पार्टी चला रहे हैं। जिनके सुपुर्द आपने पार्टी और हुकूमत की है, वो इस हुकूमत को भी और इस पार्टी को भी दफन कर देंगे। वहीं दूसरे पीडीपी विधायक अब्दुल मजीद बद्दार ने महज पांच नेताओं पर पार्टी पर कब्जा करने का आरोप लगा दिया। मैं अभी भी महबूबा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश करना चाहता हूं, इन पांच लोगों को साइडलाइन कर दीजिए, आपका पीडीपी जो है आगे चलेगा, फलेगा फूलेगा। इससे पहले पीडीपी के कई और विधायक महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं, जिसके बाद से ही पार्टी में टूट की सुगबुगाहट तेज है। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार राजस्थान जा रहे प्रधानमंत्री मोदी राज्य को 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला या दूसरे धार्मिक कार्यक्रम सरकारी जमीन या पार्क में करने की इजाजत वाली एक याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दिया। चंडीगढ़ में दो पहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया, जबकि पगड़ी पहनने वाली सिख महिलाएं इसके दायरे से बाहर रहेंगी। दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराकर तीनों मैच की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम ने 5 बार के चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने 2 बार की विश्व चैंपियन उरुग्वे को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली।
महाराष्ट्र के नागपुर में एक स्कूल के बाहर कुछ लोग रबर की एक नाव में बच्चों को बैठाकर बाहर निकालने लगे। वहां हुई भारी बारिश के बाद स्कूल के अंदर और आसपास के इलाके में कई फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चे स्कूल में ही फंस गए, जिनको रबर की एक नाव की मदद से सुरक्षित निकाला गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि भारी बारिश से स्कूल के पीछे से बहने वाले नाले की दीवार टूट गई और वहां का पानी स्कूल परिसर और आसपास की जगह में घुस गया। स्कूल के पीछे में नाला बह रहा, वहां का जो कंपाउंडिंग टूट गया, उसके से पानी पूरा अंदर घुस गया। नाले का पानी घुसने की वजह से स्कूल के चारों तरफ कई फीट पानी भर गया। यहां तक कि स्कूल के बाहर बनी सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गई। स्कूल के दोनों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। वहीं मिट्टी खिसकने की वजह से स्कूल के बाहर खड़ी स्कूल बस भी पानी में आधी डूब गई। जबकि स्कूल में पानी भरने की वजह से सैकड़ों बच्चे अंदर ही फंस गए, जिनको खतरा बढ़ते देख ग्राउंड फ्लोर से हटाकर पहली मंजिल पर पहुंचा दिया गया। बाद में एनडीआरएफ और पुलिस की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम के साथ आसपास के लोग स्कूल के बाहर सड़क के दोनों किनारों पर रस्सी पकड़कर एक कतार में खड़े हो गए, ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों को सड़क किनारे बने गड्ढों में गिरने से रोका जा सके। इसके बाद रबर की नाव पर बच्चों को बिठाकर स्कूल से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। कई बच्चों और टीचरों को रस्सी के सहारे वहां से बाहर निकाला गया। इस दौरान कई पुलिस वाले रबर की ट्यूब के साथ मुस्तैद दिखाई दिए। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है 300-350 बच्चे अंदर थे और सबको रिहा किया गया है। कई घंटों के इंतजार और परेशानी के बाद अपने बच्चों को सुरक्षित पाकर परिजनों के चेहरे खिल उठे। स्कूल के बाहर जुटे लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और पुलिस की टीम की तारीफ की। यूपी के बाराबंकी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 50,000 के इनामी दो शातिर बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। मुशीर और इब्राहिम नाम के दोनों बदमाशों को मार गिराया गया है। बदमाशों के पास से पिस्तौल और कई असला बरामद हुआ है। मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर समेत दो पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। मुखबिर सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश मरोटा पुल के पास इकट्ठा है और संभवतः डकैती डालेंगे और अंधेरी रात चल रही थी। इस सूचना पर चूँकि पुलिस ऑलरेडी गश्त में थी और रात में अभियान भी चल रहा था शातिर अपराधियों को धरपकड़ के लिए, तो उसमें उन्होंने और थाने को फोर्स को बुला करके नाकाबंदी किया और इसी दौरान जो है क्रॉस फायरिंग हुई। क्रॉस फायरिंग में दो बदमाश मारे गए हैं और इसमें हमारे एक इंस्पेक्टर टिकैत नगर के मिश्रा और SSI रामनगर उपाध्याय, इनको गनशॉट इंजरी लगी है। एक सिपाही भी आरक्षित भी हमारा घायल है। महाराष्ट्र के ठाणे से खबर आ रही, जहां पर तेज बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश का पानी सड़कों पर भर गया है, जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई, आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। अमरनाथ स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। भारी बारिश की वजह से ट्रेनों को कल्याण के आगे रोक दिया गया है। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी फिलहाल तस्वीर क्या है वहां की, हालात सामान्य होने में वक्त कितना लगेगा और क्या लोगों को इसके बारे में सूचित किया गया है? नवजोत, अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान है मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में। मुंबई में भी पिछले एक घंटे से तेज बारिश हो रही है, साथ ही मुंबई के सटे जो सबर्बन इलाके हैं, खासकर कल्याण के आगे जो ट्रेनें जाती हैं उन सारी ट्रेनों को रोक दिया गया है, जिसमें लंबी दूरी की ट्रेनें भी हैं और लोकल ट्रेनें भी हैं, क्योंकि आगे ट्रैक पर पानी जमा होने के कारण, काफ़ी ज़्यादा पानी होने के कारण ट्रेनों को आगे नहीं निकाला जा रहा है। हालात सामान्य होने में समय लगेगा क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश जब तक थमेगी नहीं तब तक पूरे महाराष्ट्र के आसपास के जो इलाके हैं जहां पर पानी ज्यादा जमा है वहां से पानी को खाली कराने में समय लगेगा और लगातार जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस ड्यूटी में लगे हुए हैं। लेकिन मौसम विभाग से भी चेतावनी दी गई है कि 24 घंटे तक कोंकण के जो बादल हैं, जो मानसून है, वो मुंबई की तरफ और महाराष्ट्र की तरफ बढ़े हैं और ऐसे में तेज बारिश अगले 24 घंटे तक हो सकती है। और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है कि जरूरत पड़ने पर ही मुंबई आसपास के लोग घरों से बाहर निकले। जी, नजर आप बनाए रखिए।